नमस्कार सभी को, आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो द्वितीय श्रेणी अध्यापक परीक्षा है उसकी 15 दिनों में तैयारी आप कैसे करें। तो इन 15 दिनों में आपको कोई भी नया टॉपिक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ इन 15 दिनों में रिविज़न करें और अपनी तैयारी को परखें। इन 15 दिनों में आपको जो बहुत बड़े टॉपिक हैं उनकी ओर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। आपको सिर्फ जो छोटे छोटे टॉपिक हैं उन्हीं पर ज़्यादा फोकस करना है। तो देखते हैं ये जो नया सिलेबस है इसमें नया क्या जुड़ा है और कैसे आपको इन 15 दिनों में तैयारी करनी है। तो खंड फर्स्ट जो है इसमें करीब जो क्वेश्चन आएंगे वो 80 के करीब क्वेश्चन यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। तो ये माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर का ये खंड है। तो ये पूरा खंड जो है ये व्याकरण से संबंधित है। तो व्याकरण में वर्ण व्यवस्था है, शब्द वर्गीकरण स्रोत के आधार पर और व्याकरण आधारित विकारी संज्ञा सर्वनाम विशेषण और अविकारी अव्यय, तो इनके भेद और इनके उदाहरण आपको बताने हैं। व्याकरणिक कोटियाँ जो नया टॉपिक जुड़ा था ये जुड़े हैं, शब्द रचना, शब्द ज्ञान, वाक्य रचना, शब्द शुद्धिकरण, वाक्य शुद्धिकरण, विराम चिन्हों का प्रयोग जो नया जुड़ा है, मुहावरे, लोकोक्ति, अपठित गद्यांश और पद्यांश। तो ये व्याकरण से संबंधित इनसे करीब 80 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आप सबसे ज़्यादा फोकस इसी व्याकरण वाले टॉपिक पर, इसी खंड पर आपको करना है। तो इन ये जो व्याकरण से संबंधित ये जितने भी टॉपिक दे रखे हैं इन सभी टॉपिकों के पाँच या दस मिनट के छोटे छोटे वीडियो हैं। उनमें सिर्फ जो इम्पोर्टेंट जो बिंदु हैं उन्हीं को संकलित किया गया है, इनकी पहचान बताई गई है, ज़्यादा विस्तार से इनके अंतर्गत आपको पढ़ने को नहीं मिलेगा। तो आप थोड़े से समय में इनको देखकर, ये वीडियो देखकर आप इनसे इनकी पहचान के नियम जान सकते हैं और अपनी परीक्षा की तैयारी को और मजबूती प्रदान कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, ये छोटे छोटे वीडियो देखने हैं और अपना अभ्यास करना है। तो ये सभी व्याकरण से संबंधित हो गया। अब देखते हैं आगे इसका जो दूसरा खंड है वो स्नातक स्तर का है। इसमें आपको शब्द शक्ति मिलेगी, काव्य की रीतियाँ, काव्य गुण, काव्य दोष, जिसमें से ये सभी आपको वीडियो में करा रखे हैं और कैसे इसकी पहचान की जाती है, और अभ्यास से संबंधित क्वेश्चन भी इनके आपको देखने को मिलेंगे। अलंकार भी आपको वीडियो में बहुत ज़्यादा करा रखे हैं, मगर जो जो ये अलंकार है ये सभी अलंकार उन वीडियो में आपको मिलेंगे उदाहरणों सहित। जो पिछली परीक्षाओं में आए हुए उदाहरण वो भी सम्मिलित हैं और जो आगे आने वाली एग्ज़ाम है इसमें भी आने वाले कुछ इम्पोर्टेंट जो एग्जाम्पल हैं उनको यहाँ शामिल किया गया है। छंद भी ये सभी एक ही वीडियो में आपको मिल जाएंगे, छोटे से वीडियो हैं। रस के बारे में भी आपको बताया गया है। फिर हिंदी साहित्य का जो इतिहास है इसमें करीब आपको 12 वीडियो मिलेंगे और कोई वीडियो आधे घंटे का है, कोई एक घंटे का है। तो सिर्फ 6 दिन, 1 या 1.5 घंटे, 6 दिन अगर इन साहित्य के वीडियो को देखेंगे तो वहाँ क्वेश्चन आंसर के रूप में आपको ये सभी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और वहीं से आपको क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो करीब 40% जो क्वेश्चन है वो यहीं से पूछे जाएंगे स्नातक स्तर वाले से। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास से संबंधित भी एक छोटा सा वीडियो है, तो वो भी आप देखें। फिर ये कबीर ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली, सुरदास, मीराबाई, बिहारी रत्नाकर, सूर्यमल मिश्रण, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद में श्रद्धा सर्ग जो नया जुड़ा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का चिंतामणि, मोहन राकेश का लहरों के राजहंस, और ये जो नया जुड़ा है खून का
एनईएफटी का। तो इनके जो क्वेश्चन हैं वो भी आपको यूट्यूब चैनल पर प्राप्त हो जाएंगे। अब देखते हैं आगे जो कहानियां हैं, इसमें से कहानियां जुड़ी हैं। उसने कहा था, ये तो पहले की है, और पूज की रात, पटापेक्स नहीं होगा, उजाले के मुसाहिब, ये तीनों नई कहानियाँ इस बार जुड़ी हैं। तो इन चारों कहानियों के वन लाइनर के क्वेश्चन आंसर आपको इस यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध हो जाएंगे। तो ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, तो आप रिवीजन के तौर पर इनको देख सकते हो। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर जो फर्स्ट ग्रेड में जिनका पेपर अच्छा नहीं हुआ है तो उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। इस YouTube चैनल पर जुड़कर आप अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। और ये शिक्षण विधियों से संबंधित करीब 40 क्वेश्चन आपको आपके पूछे जाने की संभावना है। तो ये शिक्षण विधि वही शिक्षण विधियाँ हैं जो आपने रेट फ्री में दी थी, तो सेम टू सेम वही सिलेबस है। तो रीट से संबंधित अपने जो टॉपिक हैं उनकी जो लास्ट यूनिट है वो सभी शिक्षण विधियों से संबंधित है। तो आप वो यूनिट देखकर इन शिक्षण विधियों से संबंधित क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं। तो वहाँ आपको एक से बढ़कर एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और अगर आप रीट की तैयारी करना चाहते हैं रेट 9 की, तो आप इस YouTube चैनल पर जुड़ें, और यहाँ जो पाठ्यक्रम आपको मिलेगा वो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो ये हिंदी का जो पेपर है ये 300 मार्क्स का होगा, और इसका जो टाइम रहेगा वो 2 घंटा 30 मिनट का रहेगा। तो 2 घंटा 30 मिनट में आपको 150 क्वेश्चन करने होंगे। तो 150 क्वेश्चन इसके अंतर्गत होंगे, और नेगेटिव मार्किंग इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलेगी। तो आपको क्या करना है, नेगेटिव मार्किंग से आपको हमेशा बचना है, क्योंकि आपका सिलेक्शन अगर 1-2% से रह जाता है तो वो नेगेटिव मार्किंग की बदौलत आपका सिलेक्शन होने से आप चूक जाते हो। तो नेगेटिव मार्किंग जो हो रही है, तो आप जो गलत क्वेश्चन हैं जो नहीं आ रहे हैं उनको आप ना करें। जो फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ था हाल ही में, वहाँ से भी करीब 80% क्वेश्चन जो थे वो इसी यूट्यूब चैनल से पूछे गए थे। तो यहाँ आपको व्याकरण के रूप में ये जो वीडियो हैं, ये जो टॉपिक हैं, इन सभी के छोटे छोटे वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो जो भी आपके काम का टॉपिक है आप उससे संबंधित वीडियो देखें और अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं। तो आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।